आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। चंपारण के बेतिया थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आई है जहां एक युवक ने एक लड़की को शादी का झांसा देके 4 साल तक उसका यौन शोषण किया। युवक ने लड़की को झांसा दिया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन जब भी लड़की शादी की बात करती युवक इस बात को टाल जाता। लगभग 4 सालों तक युवक ने उस लड़की के साथ यौन शोषण किया लेकिन उससे शादी नहीं की। बीते रात लगभग 2 बजे गांव वालों ने रोशन कुमार नामक एक युवक को पकड़ लिया और जब काफी हंगामा हुआ तो वहां बहुत सारे गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। उसके बाद पता चला कि ये युवक उस लड़की का लगभग 4 साल से इस्तेमाल कर रहा था, उसके साथ यौन शोषण कर रहा था और लड़की जब भी शादी की बात करती थी वो ये कह के टाल जाता था कि अगले साल शादी करूंगा या 2 साल बाद शादी करूंगा। ऐसा करते करते लगभग 4 साल बीत गए थे लेकिन रोशन ने अनीता से शादी अभी तक नहीं की थी। जब गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया तो ये बात पंचायत के सामने आई और ये बात थाना तक भी पहुंची। उसके बाद दोनों ही लड़के और लड़की के घर वालों को बुलाया गया लेकिन युवक के परिवार से कोई भी नहीं आया। वहीं लड़की के घर वाले बाकी के गांव वालों के साथ आए। लड़की ने सबके सामने पूरी बात बताई। लड़की ने बताया कि लगभग 4 साल से उसका रोशन कुमार से संबंध था और रोशन कुमार ने अनीता कुमारी को ये वादा किया था कि वो उससे शादी जरूर करेगा, लेकिन 4 साल से बस शादी की बात को टालते ही जा रहा था। जब भी लड़की रोशन कुमार से पूछती कि वो उससे शादी कब करेगा तो वो कभी कहता कि 2023 में शादी करूंगा, तो कभी कहता 2025 में शादी करूंगा। ये सिलसिला लगभग 4 सालों से चल रहा था और लड़की का यौन शोषण लगभग 4 सालों से हो रहा था, लेकिन फिर भी रोशन कुमार ने उससे शादी नहीं की थी। इसको लेकर लड़की के घर वालों ने ये भी कहा कि अगर चाहो तो इसकी शादी कल ही करा दो, लेकिन मैं लड़की को अपने घर पर नहीं रखूंगा। अगर मैंने लड़की को अपने घर पर रखा तो हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। गलत लड़की के साथ ही हुआ और लड़की के घर वाले ही कहते हैं कि अगर लड़की को घर में रखेंगे तो उनकी इज्जत नहीं रह जाएगी। उसके बाद गांव वालों और परिवार वालों ने लड़के और लड़की दोनों को समझाया। उसके बाद थाना परिसर में ही स्थित एक शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देसवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।